स्टूडेंट्स, इन दिस टेक्निकल सेशन वी विल ट्राई टू डिफाइन वेरियस मूवमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ अ सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड लेट अस लर्न व्हाट इज परमाकल्चर, व्हाई इट हैज बीन पॉपुलराइज्ड, हाउ द पीपल हैव अडॉप्टेड परमाकल्चर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड व्हाट आर द फोकस एरियाज ऑफ परमाकल्चर and what are the focus area of the organic farming and natural farming, is there any distinction between natural farm, traditional farming, organic farming, natural farming and permaculture, iske beech mein koi distinction bhi, alag alag cheeze hain sari, aur sare jo log hain usme kya kehna chahte hain is method, is sare cheezon se, aur kya isse kuch nikal raha hai, kuch nikal ke aayega और इसके क्या पोटेंशियल हैं, ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी इस सत्र में लेट अस हैव अ स्मॉल प्रेजेंटेशन एंड आफ्टर दैट वी विल हैव अ डिस्कशन। मैं आपको लोगों के समक्ष अपनी प्रेजेंटेशन रखता हूं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड परमाकल्चर क्या चीज है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इसको कैसे कैसे लोगों ने डिफाइन किया और डेवलप किया है, और इसमें बेसिक हमें करना क्या है, what kind of a input we have to give, what kind of a process we have to adopt, and what kind of a quality output we can get, and if we get that quality output, then how that quality output has to be marketed for the benefit of the whole system and particularly for the farmers. Agar farmers ke benefit mein humne agar koi kaam nahi kiya to hamara ye system fail ho jayega. This point of view se ye discussion karenge और फिर आप लोगों को भी आमंत्रित करेंगे इस प्रोग्राम में, इस डिस्कशन में। तो पहले मैं एक प्रेजेंटेशन ये करना चाहता हूं कि हमें क्या करना चाहिए और ये जो सारा का सारा सिस्टम है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, उससे हम क्या सीख पाते हैं, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड परमाकल्चर क्या चीज है, इसको किस तरह से लोगों ने डिफाइन किया है, कैसे डेवलप किया है, और इसमें क्या मेजर कंपोनेंट्स कंसीडर करते हैं हम, और क्यों उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। आज के पहला सत्र यही है ताकि हम पहले इसको समझें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग और परमा कल्चर क्या चीज है। तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट वी हैव कम टू अ कंक्लूजन दैट टेकिंग अ यू टर्न टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम is the path to save the mother earth and the humanity, but how to achieve and how to go about it, pichle 100-200 saal ke modern human civilization se humne ye sikha hai, samjha hai ki hame sustainable agriculture system ke liye path ek lena padega, kyunki humne jo bhi apne prayog kiye agriculture ke, उससे हमें साधन तो अच्छे मिले, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया, और कम से कम धरती पर जितने भी मनुष्य हैं उनके खाने के लिए पर्याप्त अनाज हमने पैदा कर दिए पूरे विश्व भर में, और अपने देश भर में भी हमारे किसानों ने अनाज उत्पन्न किया, और उसमें हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इस दौरान में हमने हवा, पानी, मिट्टी और वातावरण को इतना दूषित कर दिया कि अब हमारे पास दोबारा एक यू टर्न लेने की जरूरत है, ताकि हम अपने बेसिक सिस्टम को, लैंड वाटर और सॉइल को, पानी को बचा पाए, और मदर अर्थ और ह्यूमैनिटी यानी कि प्रकृति, धरती माता और मनुष्यता को बचा पाए, इसके लिए हमें कुछ डिसीजन अभी लेने पड़ेंगे। तो इस पूरे सत्र में हम पहले बात करेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है और हमें क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए, फिर परमाकल्चर क्या है, परमाकल्चर के फाउंडेशनल एथिक्स क्या हैं, परमाकल्चर में क्या कोई डिजाइन की बात होती है तो वो डिजाइन क्या है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड परमाकल्चर के साथ कोई टूरिज्म का रिश्ता है क्या। तो अभी इन चंद बातों पर डिस्कशन शुरू करते हैं।
दोस्तों पूरे विश्व भर में जब से हमने एग्रीकल्चर का काम शुरू किया है उसके साथ साथ मैकेनाइजेशन बढ़ी है कि हम पहले ट्रेडिशनली खेती करते थे तो हल बैल से करते थे और सॉयल सिस्टम को उतना ज्यादा डैमेज नहीं करते थे और हम केमिकल्स का इस्तेमाल भी कम करते थे तो उससे सॉयल डिग्रेडेशन कम होती थी। लेकिन जो जो हमने मैकेनाइजेशन किया और सॉयल के स्ट्रक्चर को ज्यादा मैनिपुलेट करके उससे ज्यादा अन्न उत्पादन की कोशिश की उसके साथ साथ सॉयल डिग्रेडेशन भी पूरे विश्व भर में बढ़ता गया और सॉयल डिग्रेडेशन की स्थिति जितने भी डेवलप्ड नेशन है नॉर्थ का इलाका देखिए तो वो ज्यादा रेड नजर आएगा क्योंकि वहां पर मैकेनाइजेशन ज्यादा है। पूरे पृथ्वी को दो भागों में हमेशा बांटा जाता है नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज्यादातर डेवलप्ड नेशन है यूरोप है अमेरिका है और बहुत सारे डेवलप्ड नेशन नॉर्थ में आते हैं। साउथ में ज्यादातर डेवलपिंग नेशन है और वहां पर काम जो हम नॉर्थ वाले करते हैं उसी को फॉलो करने लगते हैं तो कई बार वो काम सही होता है और ज्यादातर वो काम गलत होता है कि हमने नॉर्थ को कॉपी करना शुरू कर दिया। इस कारण से सॉयल डिग्रेडेशन वर्ल्ड ओवर एक फेनोमेना है और इस बात से नकारा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ आप ये देखोगे कि ज्यों ज्यों डेवलप्ड नेशन ने एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाए फिर उसके इल इम्पैक्ट को चेक किया। इल इम्पैक्ट मीन्स निगेटिव इम्पैक्ट जो थे केमिकल फर्टिलाइजर्स और इस मॉडर्न एग्रीकल्चर के उसको चेक किया और चेक करने के बाद उन्होंने अपनी कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर को पर हेक्टेयर कम करते गए। अब वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहे हैं कि उन्होंने रियलाइज कर लिया कि फर्टिलाइजर से प्रोडक्शन तो जरूर बढ़ती है लेकिन अल्टीमेटली नुकसान होता है वातावरण का और लैंड सिस्टम का। तो हमारे जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो सिस्टम होना चाहिए वो इस पर बिल्कुल निर्भर नहीं करेगा कि ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करो पानी इस्तेमाल करो और पेस्टिसाइड इस्तेमाल करो। तो ये जो मॉडल है वेस्ट और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के जो डेवलप्ड नेशंस हैं उन्होंने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर लिया और वो पाए कि ये मॉडल फेल हो जाता है और हमारे यहाँ भी यही बात है। लेकिन हमारे जो किसान हैं जो डेवलपिंग नेशन के किसान हैं अभी भी ये पर हेक्टेयर फर्टिलाइजर के कंजम्पशन को कम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक तो इनके पास इकोनॉमिक ऑप्शन नहीं है ताकि ये दूसरे चीजों को अडॉप्ट कर सकें और केमिकल फर्टिलाइजर को कम कर सकें। तो डेवलपिंग नेशन अभी भी फर्टिलाइजर को बढ़ाया जा रहा है और उसको कम कर नहीं पा रहे हैं और इस कारण से उनकी मिट्टी हवा पानी सब दूषित हो रही है। तो ओवरऑल आप अगर देखेंगे डेवलपिंग नेशन का तो ये ट्रेंड है जो कि ब्लैक में दिखा रहा है। सो एवरेज यही दिखा रहा है कि डेवलपिंग नेशन में फर्टिलाइजर की कंजम्पशन बढ़ते जा रहे हैं हालांकि पहले के मुकाबले कम हो गए हैं। इंडिया में भी पहले के मुकाबले हम फर्टिलाइजर कम करते हैं लेकिन फिर भी आप अगर देखेंगे कि पास के किसानों में जब वो आलू उगाते हैं तो रिकमेंडेड तो होगा 3 या 4 कट्टे यूरिया का लेकिन वो 10 12 कई बार 20 कट्टे यूरिया के डाल देते हैं आपको आलू खिलाने के लिए। अब आप कौन सा आलू खा रहे हो आप समझो या हम सबसे एज ए कंज्यूमर हमें पता नहीं है कि कितने उसमें कमे केमिकल फर्टिलाइजर डाले गए हैं और उसका दुष्परिणाम हमें हमारे लिए कैसे धीरे धीरे घातक बनता जा रहा है। तो ये केमिकल फर्टिलाइजर का कंजम्पशन हमें कम करना पड़ेगा ये तो एक स्वाभाविक सी बात है। दूसरी बात है कि कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं मुख्य रूप से 16 न्यूट्रिएंट्स माने गए हैं। पहला कि जो नॉन मिनरल्स के रूप में नेचर में हमें मिलता है वो कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन आपको पता है कि जो हमारे बायोमास है वो डिग्रेड होकर जैसे गाय का गोबर पत्ते और रेसिड्यूज ये सारे डिग्रेड होकर सॉयल में वापस मिल जाते हैं तो कार्बन की रेशियो को मेंटेन करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें वातावरण से प्राप्त होता है तो ये नॉन मिनरल इन नेचर है। इसके बाद 13 हमारे पास मिनरल नेचर के हैं उसमें 6 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो मैक्रो एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं और हमारे पास माइक्रो एलिमेंट 7 हैं। तो इस तरह से लगभग 16 तत्वों का एक पूरा कॉम्बिनेशन है। ये पूरे अगर होंगे तो हमारे हमारा क्रॉप प्रोडक्शन स्वस्थ होगा हेल्दी होगा। सो व्हाट आर दीज 13 मिनरल्स। सो इन मैक्रो वी हैव द टू कैटेगरी प्राइमरी कैटेगरी एनपीके है नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास जिसको कि सबको पता हो कि आपको
इसी का इस्तेमाल हम ज्यादा से ज्यादा करते हैं, एनपीके डालते रहते हैं, बाकी न्यूट्रिएंट्स का हम ध्यान ही नहीं रखते और मिट्टी की परीक्षण उस हिसाब से करते नहीं है ताकि हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड करें जिसकी जरूरत है। दूसरा है कि सेकेंडरी जो एलिमेंट्स हैं उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है, तो एनपीके के साथ में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर दे आर द सिक्स इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स रिक्वायर्ड इन द सॉयल। लेकिन इसके बावजूद भी दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के होना बहुत जरूरी है, वो चाहे क्लोरीन हो, मैंगनीज हो, जिंक हो, बोरोन हो, आयरन हो, कॉपर हो या मोलिब्डेनम। ये सात माइक्रो एलिमेंट्स का भी होना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे मिट्टी में धीरे धीरे जो खेती हमने कर किया और हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का ही ज्यादा प्रयोग किया और बायोमास और दूसरे नेचुरल वे ऑफ मैन्योरिंग धीरे धीरे हम कम कर दिया हमने, उस कारण से तरह तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पाई जा रही है। जिंक है, मोलिब्डेनम है, बोरॉन है, ये अलग अलग रोल अदा करते हैं क्रॉप के प्रोडक्शन, कोई हेल्दी फ्रूट्स बनाने में मदद करता है, कोई फ्लावरिंग में मदद करता है, कोई पौधे की डिजीज रेजिस्टेंस क्षमता को मेंटेन करता है। तो ये तमाम तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी होना जरूरी है और अगर 16 तत्व सही ढंग से मिट्टी में उपलब्ध हैं तो आपके प्लांट्स हेल्दी होंगे, आपके क्रॉप हेल्दी होगा और आपका प्रोडक्शन सिस्टम भी हेल्दी होगा। तो ये 16 न्यूट्रिएंट्स का हमें कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। इसलिए दूसरी बात है कि डिप्लीशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपके जो किसान हैं, हमारे जो साथी लोग हैं, वो ज्यादातर यूरिया, पोटास और फॉस्फोरस ही डालते रहते हैं, एनपीके का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट जब उनको पता चला है पिछले दिनों में तो अब उन्होंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के इनपुट भी डालने शुरू कर दिए हैं, वो जिंक, बोरॉन, कॉपर इत्यादि के का भी प्रयोग शुरू कर दिया है, या फॉस्फेट के, रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल करके उसके मिट्टी को और मजबूत करने की कोशिश करते हैं। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी होना जरूरी है जिसकी मिट्टी में धीरे धीरे इसका ह्रास यानी कि खत्म कर दिया हमने। हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं पूरे इस मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम की, सॉइल डिग्रेडेशन एंड इनफर्टिलिटी। हम धीरे धीरे इनफर्टिलिटी, हमने मिट्टी को धीरे धीरे खराब कर लिया। सॉइल एंड ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, ये जो यूरिया, ये जो केमिकल हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे ग्राउंड वाटर में जा रहा है और अल्टीमेटली फिर इरिगेशन में अगर उसी पानी को इस्तेमाल किया या पीने के लिए भी इस्तेमाल किया तो दोनों तरह से ये खतरनाक बन गए। क्रॉप के लिए भी खतरनाक है और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी खतरनाक है। तो उस ग्राउंड वाटर हमने पोल्यूट कर दिए, सॉइल को पोल्यूट कर दिया। तीसरी बात है कि लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। पिछले 30-40 सालों में जब से हमने ग्रीन रिवोल्यूशन लाया तो हमने ज्यादातर कुछ क्रॉप्स उगाने शुरू कर दिए, जीरी उगाना शुरू कर दिया, कनक उगाना शुरू कर दिया, यानी द पैडी एंड वीट, ये पंजाब हरियाणा में एक मुख्य फसल बन गई। इसके अलावा जितनी भी हमारे लेग्यूम्स थे, दालें थी, जैसे चना है या फिर अरहर है या फिर मूंग है, ये सारे जो दालें थी अब धीरे धीरे रिप्लेस हो गई और ये सारा इलाका पूरा तरह से, तो ये दालें भी पूरी तरह से रिप्लेस हो गई। तो ये मोनोकल्चर के को यूज करने से हमारा क्रॉपिंग सिस्टम पूरा बिगड़ गया। तो इसलिए हमारे पास 30 या 40 फसलें जो होती थी, अब हमारे पास 50 और 60 के दशक में किसान छोटे जरूर थे लेकिन उनके पास सभी तरह की बीजें उपलब्ध थी एंड दे यूज टू ग्रो मल्टीपल क्रॉप्स और दे वेर नॉट डिपेंडेंट ऑन द मार्केट। मल्टीपल क्रॉप्स और उनके पास बीज खुद ही उपलब्ध होता था क्योंकि मार्केट का सिस्टम उस समय हावी नहीं था। किसान खुद ही बीज तय करता था, अच्छी फसलों से, अच्छे फलों से उससे बीज निकाल कर प्रोक्योर करता था और अगले फसल के लिए वो तैयार रहता था, उन पर किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता था। या फिर किसान आपस में बीजों को बांट लेते थे ताकि वो आपस में उनका सिस्टम बना होता था कि तुम्हारे पास ये क्रॉप अच्छी है, इसके बीज मुझे दे देना और मेरे से दूसरे क्रॉप के बीज ले लेना। तो इस तरह का सिस्टम प्रिवेल करता था। लेकिन जिस तरह से हमने मार्केटिंग सिस्टम डेवलप किए, बाद में ये मोनोकल्चर आ गया और इस कारण से हमारे पास इस जो बायोडायवर्सिटी थी क्रॉप की वो पूरी तरह से खत्म हो गई। ऐसा माना जाता है कि पिछले 100 साल में हमारे 75 से 80% बायोडायवर्सिटी, जो क्रॉप बायोडायवर्सिटी थी, पूरे विश्व भर में खत्म हो गई। इस पर समय समय पर इंटरनेशनल लेवल पर सेमिनार होते रहते हैं जिसको कि बायोडायवर्सिटी के लिए एक अलग ग्रुप बना हुआ है,
उन सेमिनार के हिसाब से यही आकलन मिलता है कि 75-80% क्रॉप्स हमने पिछले 100 सालों में खत्म कर दिए। आप एक डॉक्टर रिछाड़िया थे हमारे एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जिन्होंने पैडी के ऊपर रिसर्च किया और खासकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च किया। उन्होंने पाया हिंदुस्तान में लगभग 3000 प्रजाति के पैडी मिलते थे, 3000 चंद नहीं 3000। तो समझ लीजिए कि हमारे पास पैडी के इतनी सारी वैरायटीज थी। अब धीरे धीरे आप गिनेंगे तो 20-25 भी मुश्किल से पूरे हिंदुस्तान से कैप्चर कर पाएंगे, क्योंकि हमारे किसानों ने हाइब्रिड सीड्स को अपना लिया और धीरे धीरे हमारे तरह के जो सीड्स थे, वैरायटी थी, वो जेनेटिक करेक्टर धीरे खत्म हो गया। बायोडायवर्सिटी फिर फूड एंड वाटर कंटामिनेशन। 15 मिनट का टाइम है, 10 मिनट का काम आएंगे। किसी का माइक ऑन है जरा ऑफ कर लेना देख के। फूड एंड वाटर कंटामिनेशन, हमने पानी और खाने दोनों को दूषित कर दिया केमिकल डाल डाल के। अब मान लीजिए कि डीडीटी का प्रयोग हमने खेतों में किया या आसपास के इलाके में किया, फिर वो चारे के साथ में गाय के दूध तक में चला गया और गाय के दूध से हमारे तक आ गया, तो इस तरह के जो केमिकल्स हैं, जहरीले केमिकल्स हैं, वो पूरी तरह से फूड वेब में यानी कि आहार श्रृंखला में आ गया है और इस कारण से हमें तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी घातक बीमारियां जैसे कैंसर और तमाम तरह की बीमारियां हमारे महिलाओं में, बच्चों में, पुरुषों में, नौजवानों में पाई जा रही है, जिसका मेन कारण है कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड वाटर का तो बात ही नहीं है, आप समझ सकते हैं कि कई तरह की बीमारियां आजकल फैलती हैं, चाहे वो डायरिया है, टाइफाइड है, जॉन्डिस है, ये सभी का सोर्स क्या है? कंटामिनेटेड वाटर। सो केसेस ऑफ कैंसर एंड अदर फैटल डिजीजेस ये बढ़ी हैं और आपको बार बार ये न्यूज में सुनते होंगे या समझते होंगे कि पंजाब के कुछ इलाके में जितना जहां जहां हमने टॉक्सिक केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए वहां पर कैंसर के केसेस और दूसरी बीमारियों के केसेस बढ़ गए हैं। खासकर जो हमारा बठिंडा या मालवा का जो रीजन है उस इलाके में जहां जहां हमने कपास की खेती की, कॉटन उगा रहे थे, जहां में केमिकल्स भी ज्यादा ही इस्तेमाल किया, हमने पेस्टिसाइड्स भी उसको बचाने के लिए इस्तेमाल किया, अल्टीमेटली वो हमारे फूड वेब में आ गया और उस इलाके के लोग काफी बीमार होने लगे और उस इलाके से एक ऐसी ट्रेन चलती है बठिंडा से बीकानेर में, एक कैंसर हॉस्पिटल है और रोज के दिन में 200-300 मरीज उस ट्रेन से बीकानेर जाते हैं और उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन पड़ गया। तो ये स्थितियां हम लोगों ने इस मॉडर्न केमिकल्स बेस्ड फार्मिंग से प्राप्त की है और ये एक हमारे लिए इंडिकेटर है, घातक इंडिकेटर है। ह्यूमन एंड कैटल हेल्थ इज एट स्टेक। ये बीमारी केवल मनुष्य नहीं, जो हमारे जानवर थे, जो हम जिस पर हमारा जीवन यापन निर्भर करता है, हमारा जो कैटल है, हमारे जो लाइव स्टॉक है, उनमें भी इस केमिकल्स का प्रभाव देखा जाता है और उसके मीट हो चाहे मिल्क हो, दोनों के प्रोडक्शन में। तो इसलिए आजकल ऑर्गेनिक मीट एंड ऑर्गेनिक मिल्क की भी बात चल रही है कि हाउ टू हैव अ क्वालिटी मिल्क एंड हाउ टू हैव अ क्वालिटी मीट प्रोडक्ट्स। तो इस पर खतरा है, तो एक तरह से इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस दोनों मिल गया। पंजाब के किसान काफी खुशहाल थे, 60 के दशक में यहाँ पर हरित क्रांति आई, लोग खुशहाल बने, उनके पास पैसे आए, अनाज उन्होंने उत्पन्न किए, लेकिन बाद के दिनों में क्राइसिस आ गई। खासकर जो छोटे किसान थे उन्होंने ट्रैक्टर्स खरीद लिए और बड़ी बड़ी मशीनरी खरीद ली, लेकिन उनके पास जो जोत की जमीन थी वो बहुत ही कम है। ज्यादातर किसान जो हमारे पास जो है पंजाब में भी हैं, उनके पास 3 या 4 एकड़ से कम की जमीन है, 5 एकड़ वाले ज्यादातर किसान है, 5 एकड़ के अंदर अंदर ही है 80%। 5 एकड़ से ऊपर वाले किसान, 5 से 10 एकड़ वाले हो सकता है 20% हो, और 20 एकड़ से ऊपर वाले 5 ही% हो, तो 70-75% जो लोग हैं वो 5 एकड़ से नीचे अगर उनके पास जमीन है तो वो फिर करेंगे क्या? उनके लिए भारी इकोनॉमिक क्राइसिस है और यही कारण था कर्नाटक, विदर्भ, महाराष्ट्र और तमाम जगहों पर जो छोटे छोटे किसान थे जिन्होंने खेती में अपनी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन 8-10 सालों में वो धीरे धीरे और भी कर्जदार बनते गए। किसी ने ट्रैक्टर खरीद लिए, किसी ने मशीन खरीदी, लेकिन उतना भी पैसा
वो वापस उनको मिल नहीं पाया, क्योंकि जितना उन्होंने प्रोडक्शन किया या उनकी मार्केट नहीं हो पाई, या फिर दैविक आपदाओं यानी कि नेचुरल कलामिटीज आ गई, कभी सूखा पड़ गया, कभी बीमारी लग गई, तो जो प्रोडक्शन होना चाहिए था वो हुआ नहीं, और इस तरह से वो लगातार कर्जदार होने से वो उन्होंने उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो आप पिछले 20 सालों में एग्रीकल्चर में पूरे देश भर में मुझे लगता है कि 10 लाख से ऊपर ज्यादा किसान उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो इसलिए जो किसानी हमारे पूरे पूरे देश की पहचान थी, जिसके चलते पूरा देश जाना जाता है, उस किसान के चेहरे पर ही अगर रौनक नहीं है तो हमारा सोच लीजिए कि भविष्य क्या है। तो अगर 10 लाख किसानों ने सुसाइड कर लिया, इससे दुख की बात हमारे लिए क्या हो सकती है, जिन्होंने हमारे लिए एक अन्न उत्पादन किए, जिन्होंने हमारे मुल्क को खड़ा किया, लेकिन उन्हीं के पास ये क्राइसिस है कि वो खुद को अपने आप को जीवित नहीं रख पा रहे हैं। तो इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, उसमें फार्मर सुसाइड्स बहुत बड़ी एक समस्या है। ये सब सारी समस्याओं को देखते हुए ही ये मॉडर्न फार्मिंग के खतरे हमें नजर आते हैं। इसी को देखते हुए कुछ लोगों ने सोचा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ दोबारा जाया जाए, क्योंकि ये मॉडर्न एग्रीकल्चर से हमारा प्रोडक्शन कुछ दिनों के लिए तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म के लिए ठीक सिस्टम नहीं है। तो इसलिए एक हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिस्टम बनाना चाहिए, ऐसा सिस्टम जैसे ऑल एग्रीकल्चर सिस्टम दैट प्रमोट एनवायरमेंटली सोशली इकोनॉमिकली साउंड प्रोडक्शन ऑफ द फूड एंड फाइबर। वातावरण को देखते हुए, समाज को देखते हुए और इकोनॉमिक यानी आर्थिक स्थिति को देखते हुए लॉन्ग टर्म में हमें ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो कि सभी तरह से अच्छा हो। उससे हमारी सॉइल फर्टिलिटी बनेगी, नेचुरल कैपेसिटी प्लांट्स की बनी रहेगी, एनिमल्स की भी नेचुरल कैपेसिटी रहेगी, ये ना कि हमने इंजेक्शन लगाए और दूध निकाल लिए, धीरे धीरे उनका पूरा जेनेटिक करेक्टर हमने खराब कर दिया। भैंसों को इंजेक्शन लगा लगा कर अगर दूध निकालेंगे तो अल्टीमेटली उनके सेहत पे फर्क पड़ेगा और आने वाली जो नस्ल होगी वो थोड़ी और कमजोर हो जाएगी, और इस तरह से वो भी गलत चीज है। तो हमें उतनी कैपेसिटी जितनी है उस सिस्टम की, उतनी ही उससे हम लोग आउटपुट ले सकते हैं। ज्यादा खिलाकर ज्यादा आउटपुट लेना और उसके दुष्परिणाम ज्यादा भयावह हो सकते हैं। तो हमें लालच उतनी करनी चाहिए जितनी उसकी कैरिंग कैपेसिटी हो, गाय की या भैंसों की जितनी कैरिंग कैपेसिटी हो उतने ही ज्यादा मिल्क लेना चाहिए, अगर जरूरत से ज्यादा लोगे तो उसके दुष्परिणाम मिलेंगे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट देयर शुड बी नो यूज ऑफ कीमो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में कीमो सिंथेटिक फर्टिलाइजर बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है, ना पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करना है, ना किसी की तरह के फार्मास्यूटिकल्स का इस्तेमाल करना है। तो ये एक डेफिनेशन इंटरनेशनल लेवल पे फेडरेशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मूवमेंट वालों ने बनाए, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कैसे डिफाइन किया, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज एन यूनिक प्रोडक्शन सिस्टम विच प्रमोट्स एंड एनहांसेस एग्रो इकोसिस्टम हेल्थ इंक्लूडिंग बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल साइकिल, सॉयल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, एंड इट इज accomplished बाई यूजिंग ऑन फार्म एग्रोनॉमिक बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल मेथड्स इन एक्सक्लूशन ऑफ ऑल सिंथेटिक ऑफ फार्म इनपुट्स। तो हमें किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइजर और बाहर से लिए हुए चीजों का इस्तेमाल इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं करना है। हमें ऐसा काम करना है कि पूरा एग्रो इकोसिस्टम मजबूत रहे, हमें बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता हम बनाए रख सकें, और बायोलॉजिकल साइकिल है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर क्रॉप की जो साइकिल है वो सही ढंग से मेंटेन हो, ताकि जो मिट्टी में तरह तरह के जीवाणु मिलते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे केंचुए मिलते हैं वो पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, ताकि मिट्टी एक सजीव चीज है, निर्जीव नहीं। अगर केमिकल डालते जाएंगे तो एक तरह से मैकेनिकल सिस्टम बन जाएगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरते जाते हैं। सो ये सारे अगर हम काम करें और ऑफ फार्म सिंथेटिक इनपुट्स को पूरी तरह से हटा दें, ऐसे को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती का नाम दे सकते हैं। तो इस सिस्टम में हमारा काम क्या है, ये ट्रेडिशनल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है, ये आप बात मूल बात समझ लीजिए। जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी उसमें हम किसी तरह के इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे,
उसमें जितने हमारे पास इनपुट्स होते थे, जितने से गोबर के खाद होते थे या फिर रेसिड्यूज होता था, उसी पर हम डिपेंड करके उसको काम करते थे। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें उस लेवल से भी आगे नॉलेज चाहिए। बिना नॉलेज के ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं हो सकती कि भाई इस मिट्टी को क्या चाहिए, किस तरह से इसको हम हेल्दी बनाएं, क्या क्या मेथड अपनाएं। सो इट इज अ नॉलेज इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। तो उसमें तरह तरह के सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया। पर्पस हमारा था मैक्सिमाइज बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन द सॉइल। सॉइल में जो जैव विविधता है उसको मेंटेन करें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मैक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल, दे शुड बी केप्ट हेल्दी, मेंटेन लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ एंड मिनिमाइज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को चेक करना जरूरी है। इरोजन होगा तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है बह के पानी में बाहर चला जाएगा और फिर मिट्टी कमजोर हो जाएगी। तो इसलिए उस मिट्टी के सॉइल इरोजन को चेक करना है और वहां पर ऐसा सिस्टम बनाना है ताकि लॉन्ग टर्म तक के लिए वो हमारी सॉइल हेल्थ मजबूत रहे। इनहांस द जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। तो हमें जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल सिस्टम को मजबूत करना है ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन सिस्टम बनाने के लिए, और प्रोवाइड लाइव स्टॉक विद ऑप्टिमल लिविंग कंडीशंस फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। जो हमने गाय रखी हैं, जो भैंसे रखी हैं, उसको एक अच्छा हेल्थ दें, उनको अच्छा चारा दें और अच्छा पानी दें, अच्छा खुराक दें, अच्छा वातावरण दें। ये नहीं कि हमने उनको बांध कर रखा और उनसे जबरदस्ती उनको उनसे ज्यादा से ज्यादा मिल्क निकालने के लिए उनको हमने हैवी डोज दिया और फिर उनको हमने सिस्टम से ज्यादा निकालने की कोशिश की। इससे एनिमल हेल्थ पे बुरा असर पड़ेगा और अल्टीमेटली हमारा पूरा सिस्टम डैमेज होगा। तो इसलिए हमें ये काम नहीं करना कि एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स एंड एक्सट्रैक्टिंग एक्सेसिव आउटपुट, ये नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमल जितना वो दे सकता है नेचुरल वे में, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। रिसाइकल मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ओरिजिन, रिटर्न इट टू द न्यूट्रिएंट्स। अब सभी को पता है कि जैसे ग्रीन मैन्योरिंग है या फिर जो भी रेसिड्यूस है, फार्म यार्ड मैन्योर है या फिर हम काउडंग या फिर बायोगैस की स्लरी है, ये तमाम जो चीजें हम करते किस लिए हैं कि ये सारी की सारी चीजें रिसाइकल होकर जमीन में वापस जानी चाहिए। इसी से धरती की जो उर्वरा शक्ति है वो मेंटेन रहेगी। और हमें वी हैव टू मिनिमाइज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, यानी फर्टिलाइजर से सब धीरे धीरे खत्म करना है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस को, बाहर से लाने वाले रिसोर्सेस को हमने खत्म करना है। एंड प्रमोट इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सॉयल वाटर एयर एंड मिनिमाइज द एग्रीकल्चर पॉल्यूशन। तो पानी हवा और मिट्टी को हमें बचाए रखना है, उसको दूषित होने से बचाना है। ये हमारा काम है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सिस्टम को जाने हुए। So, what is the difference between traditional and organic? Traditional is a traditional way of thinking where the knowledge about all the system is missing. वो हम layman तरीके से उसको डालते थे, लेकिन organic में उसको हमें verify करना पड़ेगा और उसको फिर हमने quantify भी करना पड़ेगा कि कितना matter डाला जाए, कितना production होगा और soil health हम कैसे maintain कर पाएंगे। तो तरह तरह के input हमें organic system में organic production के लिए चाहिए। दूसरे क्षेत्र में इसी तरह से अगर परमाकल्चर को डिफाइन करें तो ये क्या चीज है? द परमाकल्चर हैज मेनी ब्रांचेस इंक्लूडिंग इकोलॉजिकल डिजाइन, इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग, रिजेनरेटिव डिजाइन, एनवायरमेंटल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। ये तरह तरह की डिजाइन की बातें करता है, कंस्ट्रक्शन की बात करता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, रिजेनरेटिव एंड सेल्फ मेंटेन्ड हैबिटेट, एग्रीकल्चर सिस्टम्स, मॉडल्ड एंड नेचुरल इकोसिस्टम। तो यहाँ परमाकल्चर जो है कुछ डिजाइन, फार्म डिजाइन, वहां पर अपने फार्म हाउस कहाँ बनाना है, कौन सी जगह में हमें पौधे लगाने हैं, कौन सी दिशा में हमें बड़े पेड़ लगाने हैं, कौन सी दिशा में छोटे हाट के पेड़ लगाने हैं, कौन सी दिशा में हमें कौन सा क्रॉप लगाना है और कैसे उसको डिजाइन करना है। तो एक तरह का एक आर्किटेक्चर डिजाइन है, एक तरह से कॉन्फिग्रेशन ऑफ द क्रॉप्स है, ताकि ओवर द ईयर्स हमारे पूरे सिस्टम से हम मैक्सिमम निकाल पाए, हमें बेनिफिट हो, लेकिन नेचर भी नेचुरल वे में उसमें एक नया इकोसिस्टम क्रिएट हो जाए, विच इज म्यूचुअली इंक्लूसिव, सिम्बायोसिस पे काम करता हो, एक दूसरे को मदद करता हो, और ताकि हमारे क्रॉप सिस्टम के, क्रॉप प्रोडक्शन सिस्टम को हम लोग मेंटेन कर पाए। इट शेयर्स द मेनी प्रैक्टिसेस विथ एग्रोफॉरेस्ट्री
agroecology emphasizes their social, cultural and economic context. तो इसमें तरह तरह के एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम को हम लोग अपनाते हैं, एग्रो इकोलॉजी को अपनाते हैं, इम्पेसाइजिंग देयर सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। सो इन सभी सारी चीजों को हम लोग इसमें दर्शाने की कोशिश करते हैं एंड इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड एंड गेन्ड वाइड स्प्रेड विजिबिलिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड एज एन एग्रीकल्चरल एंड आर्किटेक्चरल डिजाइन सिस्टम एज अ गाइडिंग लाइफ प्रिंसिपल एंड फिलोसफी। कुछ हद तक ये आर्किटेक्चरल डिजाइन है, कुछ हद तक ये एग्रीकल्चरल क्रॉपिंग सिस्टम डिजाइन है और मोर और लेस एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा कि किस तरह से आप लेआउट करेंगे, कि किस तरह से इरिगेशन सिस्टम होना चाहिए कि आप ड्रिप इरिगेशन कर सकें या कहीं फ्लड इरिगेशन की जरूरत है या फिर नेचुरल इरिगेशन सिस्टम वहां पर बन सकता है तो उसको बनाना चाहिए। तो वी हैव टू मैक्सिमम यूटिलाइज द लोकल इकोसिस्टम एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट द नेचर, नेचर को ध्यान में रखते हुए ही इसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं। एंड ट्रेडिशनल इंडिजिनस प्रैक्टिसेस आर हाईली वैल्यूड इन परमाकल्चर। लोगों की पुरानी पद्धतियों को भी हमें मानना चाहिए क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस ओवर द इयर्स करके उसको पक्का किया हुआ है, उस पर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि पुरानी प्रैक्टिसेस को खत्म ना कर दिया जाए पूरी तरह से कि भाई ये तो बेकार है, पूरी तरह से नकारना नहीं है। सो वी हैव टू डेवलप अ परपेचुअल डायलॉग विद स्पेसिफिक क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशंस। जगह जगह की मिट्टी के हिसाब से, जगह जगह के वातावरण के हिसाब से परमाकल्चरल डिजाइन अलग अलग होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात इस परमाकल्चर से निकल कर आती है और इसके जो इतिहास है उसमें थोड़ा सा आपको बताते हैं कि जोसेफ रसेल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने सबसे पहले यूरोप में ये स्टडी की ट्री क्रॉप्स के बारे में। उन्होंने सोचा कि पूरे यूरोप में जंगल खत्म कर दिए गए थे तो उन्होंने सोचा कि ट्री क्रॉप्स लगाए जाए और एक परमानेंट एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट हो सकता है क्योंकि ट्री ही एक ऐसा है जो कि परमानेंट 100 साल 200 साल तक रहता है। तो उन्होंने कुछ इस बात पे फोकस किया और उसके ऊपर ध्यान दिया कि भाई परमानेंट एग्रीकल्चर में ट्री को कैसे वापस लाया जाए, खासकर यूरोपियन इकोसिस्टम में, क्योंकि वहां पर डिफॉरेस्टेशन बेतहाशा किया गया और सभी को एग्रीकल्चर प्लॉट में कन्वर्ट कर दिया गया, या तो उन्होंने मकान बनाए या एग्रीकल्चर फार्म लैंड बना दिए, वहां से जंगल पूरे यूरोप से हमने उड़ा दिया और यूएसए से भी उड़ा दिया। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो यूरोपियन साइंटिस्ट थे जोसेफ रसेल, जो अमेरिका में काम करते थे, कि परमानेंट एग्रीकल्चर कैसे लाया जाए, इसी बात में आगे बढ़ते हुए कुछ लोगों ने फर्दर काम किया कि भाई एग्रीकल्चर के साथ ट्रीज, फ्रूट प्लांट्स एंड नट्स को कैसे मोबिलाइज करें और मिक्स्ड एग्रीकल्चर सिस्टम अडॉप्ट किया जाए, जिसमें कि कुछ साइंटिस्ट थे जैसे एक साइंटिस्ट का नाम आता है स्मिथ, जिन्होंने इस पर कोशिश की। बाद में उसी मॉडल पे एक जापानीज वैज्ञानिक थे जिन्होंने फॉरेस्ट फार्मिंग पर जोर दिया। इन 1930 में फॉरेस्ट फार्मिंग वाज गिवन एन एम्फेसिस बाय तोयोहिको तागावा नाम के एक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने फॉरेस्ट फार्मिंग के ऊपर 1930 में जापान में ऐसे कुछ प्रयोग किए। लेकिन एक मुख्य प्रयोग एक व्यक्ति से आया, उनका नाम था मासानोबू फुकुओका। मासानोबू फुकुओका जो कि 1930 के बाद से इस नेचुरल फार्मिंग पे इन्होंने एक प्रैक्टिस शुरू किए और उनको भी एक परमाकल्चर का एक हिस्सा माना जाता है और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दी और एक किताब लिखा, वन स्ट्रॉ रिवोल्यूशन। मासानोबू फुकुओका जगह का नाम है, मासानोबू एक व्यक्ति थे जिन्होंने किताब लिखी और उस किताब पर ही नेचुरल फार्मिंग की एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। इसके अलावा कुछ और लोगों ने 1960s में, ऑस्ट्रेलिया के एक एग्रोनॉमिस्ट थे और इंजीनियर भी थे साथ में, उन्होंने इस पर काम किया कि वाटर फॉर एवरी फार्म, किस तरह से हम वाटर के लिए इरिगेशन सिस्टम हर एक फार्म के लिए तैयार करें और उसके लिए हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम तैयार करें ताकि नेचर में जो बारिश का पानी है उसको कैसे इकट्ठा किया जाए और उसको एग्रीकल्चर में कैसे लाया जाए। सो ये एक अप्रोच था, जबकि वो काम उन्होंने किया फॉर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ वाटर इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजंस सो दैट इरिगेशन सिस्टम एंड नेचुरल वाटर सिस्टम कैन बी मैनेज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर। सो
based on such experiments like Masanobu Fukuoka and other people who have worked on permanent farming or forest farming or natural farming, इसी सभी को नाम दिया गया कि this may be a permanent culture. Like in Punjab और हरियाणा में हम लोग एक joke करते हैं, what is your culture? So it is said, some of the people, that हमारा तो भाई agriculture है, culture के नाम पे. क्योंकि agriculture is a way of life. The same thing is here, it has been taken as a permanent culture. Means agriculture is a way of life. उसी permanent culture के नाम पर permaculture बना, जिसके father of permaculture एक Bill Mollison नाम के एक व्यक्ति हैं, जिन्होंने 1960 में ये concept सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में बनाया, और फिर इसी पर वो काम करने लगे, और इनके साथ में काफी लोग धीरे धीरे जुड़ते गए. सो बिल मॉलिसन वॉज अ सीनियर लेक्चरर इन एनवायरमेंटल साइकोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया, और इनके साथ एक ग्रुप बन गया, और धीरे धीरे इन्होंने 3 वीक का एक कोर्स डिजाइन किया, दैट इज नेम्ड एज परमाकल्चर डिजाइन कोर्स, PDC, परमाकल्चर डिजाइन कोर्स, कि किस तरह से अपने फार्म को डिजाइन करें और कौन कौन सा क्रॉप लें आप अपने वातावरण के हिसाब से. तो हमारे यहाँ भी एक ऑलरेडी एग्रीकल्चरल कैलेंडर है, उसी कैलेंडर के हिसाब से हमारा जो परमाकल्चर होगा वो ऑस्ट्रेलिया के परमाकल्चर से बिल्कुल डिफरेंट होगा. सो हमें अपना मॉडल खुद बनाना पड़ेगा. सो 1990s में इसका नाम परमाकल्चर मूवमेंट के नाम से ये पूरे विश्व में विख्यात हो गया, और एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में अभी तक बहुत जगह पर ये परमाकल्चर डिजाइन कोर्स चलाते हैं. हमारे हिंदुस्तान में अरुविला पौंडीचेरी में कुछ इंस्टीट्यूट हैं, कुछ संस्थाएं हैं जहां पर काफी काफी अच्छे ढंग से इसको चलाते हैं. हांगकांग में एक एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल आर्किटेक्चर है, सो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट इज रनिंग दिस परमाकल्चर कोर्स. एंड इन मेसो अमेरिकन परमाकल्चर इंस्टीट्यूट जो ग्वाटेमाला में है, जो साउथ अमेरिका का एक देश है, ग्वाटेमाला आपको पता हो, ब्राजील और पेरू के पास में, उसी तरह से परमाकल्चर इंस्टीट्यूट एक एल सल्वाडोर में है, जहाँ की एल सल्वाडोर ने 2021 मार्च में एक मूवमेंट चलाया है पूरे वर्ल्ड ओवर टू रिवाइव द वर्ल्ड इकोसिस्टम. तो आजकल यूनाइटेड नेशन का सब मुख्य मोटिव क्या है, मुख्य स्लोगन क्या है पूरे 10 साल के लिए, हाउ वी कैन इम्प्रूव द डिग्रेडेड इकोसिस्टम. सो इको रिस्टोरेशन इज द फोकस ऑफ यूनाइटेड नेशन फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स. तो अगले 10 साल में इको रिस्टोरेशन का काम अगर हम करेंगे तो उसमें परमाकल्चर भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है. तो दोस्तों, ये परमाकल्चर जो कि परमानेंट कल्चर के नाम पर आप कह सकते हैं इसको, जो कि फॉरेस्ट एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट फार्मिंग एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग, इस तरह सभी चीजों से निकल के आया है, फिर नेचुरल फार्मिंग, इन सारे कॉन्सेप्ट से गुजरता हुआ ये पूरा मिक्स कॉन्सेप्ट है, दैट हैज बीन नेम्ड एज परमाकल्चर. इसके 3 मुख्य एथिक्स माने जाते हैं, वी हैव टू केयर फॉर द मदर अर्थ, प्रोविजन फॉर ऑल लाइफ सिस्टम्स टू कंटिन्यू एंड मल्टीप्लाई. हमें कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि दूसरे लाइफ सिस्टम को हम खत्म कर दें. ऑल लाइफ सिस्टम हैज अ इक्वल चांस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू स्टे हियर इन द सिस्टम. जो भी नेचुरल इकोसिस्टम बना है, लाइफ सिस्टम बना है, उसमें से किसी एक को हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते. जैसे आपने एक किस्सा कहानी सुना होगा कि चाइना में माओ से तुंग ने एक समय, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक घोषणा की कि भाई कुछ किसान उनके पास जब गए कि साहब हमारे फसलों को चिड़िया ने बहुत नुकसान पहुंचाया, तो उन्होंने बिना आओ देखा न ताओ, अरे इसने हमारे सिस्टम को किल कर दिया. उसने ऐलान किया कि जो भी इन चिड़ियों को, पक्षियों को मारेगा उसको इतने रुपए का इनाम, यानी चाइनीज मुद्रा में इतने पैसे दिए जाएंगे. और ये एक सिस्टम कुछ दिन चलाया उन्होंने, लोगों ने काफी हद तक वहां पर जितनी स्पैरो थी या चिड़िया थे वो सबको मार गिराया. अगले साल वहां पर एक बीमारी आ गई फसल में, जो भी कॉर्न होती थी या जो भी फसल होती थी उनके पास में. अब उस बीमारी ऐसी आई कि सारी फसल बर्बाद हो गई. फिर जब किसान उस एडमिनिस्ट्रेटर के पास गए कि अब इस बार फसल हमारी पूरी खराब हो गई और अब आप बताइए हुजूर कि हम क्या करें, तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई क्यों फसल तुम्हारी खराब हो गई, तो बोला कि
ये सारी फसल जो कीड़े खा गए। तो पहले क्या होता था कि पहले ऐसा होता था कि इन कीड़ों को बचाने के लिए, इन कीड़ों को खाने के लिए हमारे पास पक्षी थे, स्पैरो थे, उसको तो हमने पिछले साल मार गिराया, सब खत्म हो गए वो। तो दिस कैन बी द एग्जाम्पल, दिस कैन बी द स्टोरी, और यही चीज होती गई और हमने इकोसिस्टम को धीरे धीरे तबाह कर दिया। कहने का मतलब हमने एक एलिमेंट को पूरी तरह से हटा दिया जो दूसरे एलिमेंट के लिए सपोर्ट का काम करता था, नेचर को मेंटेन के लिए काम करता था। सो हम ऑल लाइफ सपोर्ट सिस्टम को मल्टीप्लाई होने का, ग्रो करने का इक्वल चांस हमें देना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि भाई ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है तो इसको पूरी तरह से खत्म कर दो। ऐसा करोगे तो वैसा ही होगा जो चिड़ियों का हाल हुआ था। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा, केयर ऑफ द पीपल, प्रोविजन फॉर पीपल टू एक्सेस दोज रिसोर्सेस नेसेसरी फॉर देयर एग्जिस्टेंस। नेचर पर सबका अधिकार है और लोगों का केयर करना है, ह्यूमैनिटी का केयर करना है, उनके लिए जो पर्याप्त भोजन, पर्याप्त साधन जो चाहिए, उन सब पर सबका अधिकार हो, ऐसा कोई सिस्टम बनाए। हाउ वी कैन केयर फॉर द पीपल, ह्यूमैनिटी का केयर करें। देन सेटिंग लिमिट्स फॉर टू द पॉपुलेशन एंड कंजम्पशन, कितना हमारा पॉपुलेशन हो और कितनी कंजम्पशन हो, इस पर लिमिट लगनी चाहिए। बाय गवर्निंग आवर ओन नीड्स वी कैन सेट असाइड टू फर्दर अबाउट प्रिंसिपल्स। गांधी जी ने एक बात कही थी कि हमारे पास तो पर्याप्त धन है धरती पर हर एक मनुष्य को खिलाने के लिए, लेकिन अगर मनुष्य के जो लालच है उसको, उसकी भरपाई करने के लिए धरती पर कभी भी पर्याप्त धन नहीं होगी। तो आपने देखा होगा कि जो धन 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 के लोभी होते हैं, वो उनके लिए कितना भी धन दे दो वो उतना ही लोभी होते जाते हैं। उनके उनके पास जो छीमा है, उनकी जो क्षुधा है, वो कभी भी शांत नहीं होती। उनको पैसा चाहिए, रुपए चाहिए, और उससे वो कभी भी अपने आप को संतुष्ट नहीं पाते हैं। तो ये जो हमारी जो लालच की जो नीति है वो ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। नेचर ने तो सबके लिए खाने के लिए जगह दिया है, कुदरत ने तो दी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बसाया। तो हम लोगों ने अपने आप को डिवाइड किया है, नेचर ने हमें डिवाइड नहीं किया है। सो हमें इस बात को समझना है और अपने प्रिंसिपल्स, अपने लिमिट्स को भी ध्यान में रखना है। तो ये तीन फंडामेंटल एथिक्स के हिसाब से ये परमा कल्चर के बारे में लोग जान रहे हैं, और बहुत सारे डीप इकोलॉजिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट इस मूवमेंट में जुड़े हुए हैं। वो अपने पूरे फार्म को एक पर्टिकुलर डिजाइन में बनाते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, कभी वो राउंड शेप में नजर आएगा। सो दे मेक अ कॉन्फिग्रेशन वेयर दे क्रिएट सम काइंड ऑफ अ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, दे क्रिएट सम काइंड ऑफ अ नेचुरल सेटअप। कहीं बीच में जंगल वाले पेड़ लगा दिए, कहीं उन्होंने फूलों के क्यारियां लगा दी, और क्रॉप के लिए उन्होंने ऑप्टिमम स्पेस रखा जहां से वो लोग नेचुरली अलग अलग क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। सो यू कैन सी दैट्स अ ब्यूटीफुली डिजाइनिंग अ फार्म हाउस मे बी टर्म्ड एज अ परमा कल्चर, एंड वी आर ट्राइंग टू लीड अ सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ विथ अ काइंड ऑफ अ ब्यूटी। वी डू मिनिमम लैंडस्केपिंग, हमें लैंडस्केपिंग करनी है, लेकिन उस पूरे नेचर में एक नया इकोसिस्टम तैयार करें ताकि वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो और एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाते हो। मान लीजिए आपके पास फार्म प्लॉट्स हैं, फार्म प्लॉट्स में आपने मान लीजिए साउथ के डायरेक्शन में बहुत बड़े बड़े पेड़ लगा दिए, फिर क्या होगा? सारा का सारा नक्शा खराब हो जाएगा। साउथ से आने वाले जो बड़े पेड़ हैं, नॉर्थ में जितने भी आपका लैंड है उसमें छाया होने से कोई भी क्रॉप नहीं उगा सकते। तो इसलिए आपका जो भी प्लानिंग है वो नॉर्थ के डायरेक्शन में ही बड़े पेड़ों का हो सकता है, और छोटे पौधे पूरे साउथ में वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए आपके पास ऑप्टिमम सनलाइट है, उस डायरेक्शन में मैक्सिमम आपको इस्तेमाल करना है। सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम द नेचर एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू डिजाइन द होल प्लॉट। तो ये एक अच्छी खास बात है परमा कल्चर की, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में नजर नहीं आती है। वो ट्रेडिशनली उसी ढर्रा पर काम करते जाते हैं जो ढर्रा उन्होंने सीखा है। यहाँ पर एक तरह का फार्म मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, तरह तरह के क्रॉप्स को डिजाइन करके, तरह तरह के हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को भी डिजाइन करके एक मॉडल खड़ा किया है। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ नेचुरल क्रिएटेड स्ट्रक्चर, क्रिएटेड कॉन्फिग्रेशन ऑफ आवर एक्टिविटीज, कि हमें कहाँ पर पॉन्ड बनाना है, कहाँ पर हम छोटे
जानवर रख सकते हैं या मुर्गियां रख सकते हैं, कौन से जगह पर हमारा कैटल सेड होना चाहिए और उनके लिए चारा की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, कैसे उनको ओपन में रख सकते हैं, उनका जो काउडंग है उसको कैसे रिसाइकल करके फिर हम नेचर में वापस ला सकें, क्या हम बायोगैस प्लांट यूज कर रहे हैं तो उसकी सिलरी हम सिस्टम में वापस दें. सो ऑल सच सिस्टम्स हैव टू बी डिजाइंड इन अ सिस्टमेटिक मैनर. तो इसमें 5-7 एकड़ की जमीन हो, तब 20 एकड़ की जमीन हो तो आप एक परमाकल्चर प्लॉट डिजाइन करोगे, क्योंकि छोटा अगर यूनिट है 2-3 एकड़ में तो परमाकल्चर से क्या कर लेंगे आप, बहुत कुछ नहीं कर सकते. सो यू हैव टू हैव अ मिनिमम साइज और अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स कमिंग टुगेदर हु कैन अडॉप्ट दिस सिस्टम एंड अकॉर्डिंगली वी कैन क्रिएट अ नेचुरल सिस्टम और द बफर सिस्टम एट अ प्लेस. देखिए तरह तरह के डिजाइन है जो यूरोप में और हमारे देश में भी इसको लोग फॉलो कर रहे हैं और एक क्रॉप की जगह मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो करते हैं. जैसे कि मैंने आपको सुबह एक एग्जाम्पल दिया था, हमारे साथ एक यंग लड़के थे, उनका नाम था गौरव शर्मा, आजकल चले गए कनाडा. उन्होंने इस परमाकल्चर मॉडल को बड़े सक्सेसफुली चंडीगढ़ से दूर 15 किलोमीटर दूर उन्होंने एक फार्म लिया था जो कि अरोमा होटल वालों का फार्म था, लेकिन उनको उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये सारे क्रॉप्स पे बड़े अच्छे ढंग से देखा और समझा और उसको एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाया. उसमें 20-25 प्रकार की सब्जियां वो जाड़े में लगाते थे और उसी तरह से 15-20 प्रकार की सब्जियां वो गर्मी के दिनों में लगाते थे और बरसात के दिनों में अलग तरह की क्रॉप्स को ग्रो करते थे और तमाम उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करके बताया. सो यू कैन सी द ब्यूटीफुल डिजाइन ऑफ परमाकल्चर विच इज यूजुअली नॉट अवेलेबल इन ऑर्गेनिक फार्मिंग. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ परमाकल्चर एंड दैट्स हाउ इट इज सेड दैट इज एग्रीकल्चर एंड आर्किटेक्चर. सो एग्रीकल्चर एंड आर्किटेक्चर टेकन टूगेदर taking care of all natural resources available in the surrounding. जो भी surrounding में हमारे nature मिला है, उसको दोनों को maintain करके ये system हम तैयार करते हैं. We can see number of such designs which are coming from different corners of the world, and that is a kind of a beauty of permaculture through which we try to design the different system. So ये हमारे पास अरुविला में कई farms हैं. जो पांडिचेरी में संत अरविंदो आश्रम है उसके आसपास में, जहाँ पे परमाकल्चर के ऊपर कई ट्रेनिंग दी जाती है आपको, वो 3 वीक की 1 महीने की ट्रेनिंग आपको देते हैं ताकि आप तरह तरह के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को समझें और उसी तरह का कुछ मॉडल अपने पास उस इलाके में बनाएं. सो मोर ऑर लेस इट इज फिटिंग टू द लोकल इकोसिस्टम. लोकल इकोसिस्टम से फिट होता हुआ ये मॉडल है जिसका नाम है परमाकल्चर. यू कैन सी इसी तरह से इसमें वर्टिकल फार्मिंग भी हो सकती है कि नीचे कुछ लगाया ऊपर कुछ लगाया, कुछ रिले क्रॉप्स लगा दिए, कुछ परमानेंट प्लांट्स लगा दिए. तो तमाम तरह के क्रॉप्स का ये मिश्रण है. सो ये मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल फार्मिंग का एक नया मॉडल है, अनोखा मॉडल है जिसका कि नाम परमाकल्चर दिया गया, जिसमें कई तरह के आर्किटेक्चरल डिजाइंस भी शामिल है इसमें और एक फार्म का नया मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका नाम है परमाकल्चर. सो लेट अस यूटिलाइज द ब्यूटी ऑफ दिस पार्ट ऑफ परमाकल्चर इन आवर ऑर्गेनिक एंड आवर ट्रेडिशनल फार्मिंग. दोनों को मिलाकर ये परमाकल्चर उस हिसाब से हमारे लिए फायदेमंद चीज. सो वी कैन डिजाइन अ न्यू फार्म एंड वी कैन हैव अ कॉन्सेप्ट अबाउट लैंड वाटर एंड ऑल नेचुरल इकोसिस्टम मैनेजमेंट so that we can have a beautiful farm where we can generate our livelihood along with some kind of a structure. Usme tarah tarah ke structures ko aap introduce kar sakte hain. So isliye hame pure world bhar se is tarah ke tamam group hain jo ki permaculture pe kaam karte hain aur us tarah se usko promote kar rahe hain, aur world mein aise bhi bahut sare units hain jahan ki permaculture and tourism it becomes important. So from Himalayan states point of view, from Himachal Pradesh point of view or northeastern Himalaya point of view, is tarah ka hame ecosystem wahan par already available hai. Only thing is that we have to go for some natural farming along with the nature. So wahan ke nature ko banate hue, wahan pe beautify karte hue, we can have some cottages, mud houses like in Palampur ek jagah hai jahan par bahut sare logon ne mud houses banaye hain वहां पर रहने के लिए, और आसपास में जंगल का इलाका है, पहाड़ पौधे हैं. सो
living with the nature that has been a kind of dream for modern human being who are living in the cages of Delhi, Bombay and other places. They are away from the nature. So we can promote such agritourism so that the people from Bombay and Delhi, they can have some time for a week in a remote village where the homestay tourism is possible. And many places it is already happening in the name of medical tourism, in the name of natural tourism. So ye possibility hamare desh mein bhi hai, kyunki hamare paas bahut sare natural setup already hai. So ye beauty mujhe nazar aati hai, jo ki permaculture ki hai. Aur ab main sabke naam aapko batane wala hu ki ab silsilewar tarike se is pure system ko samjhiye. कुछ लोगों ने इसको ऋषि फार्मिंग का नाम दिया कि जब हमारे ऋषि मुनि थे अपने आश्रम के आसपास जो खेती किया करते थे तो वो जो कुछ भी बरसाती नेचर के हिसाब से वो उन्होंने कुछ लगा दिया और उस तरफ से खेती हो गई. सो दैट्स अ वे ऑफ नेचुरल फार्मिंग वेयर दे आर हार्डली डूइंग ऑल एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस. देन ट्रेडिशनल फार्मिंग जो लोग करते हैं उसमें भी बहुत सारी लर्निंग थी. लोगों ने धीरे धीरे सीखा, क्रॉप्स के सिस्टम अपनाए और हमारी जो सिविलाइजेशन थी सब नदियों के किनारे थी जहाँ पर खेती के लायक हमारे पास जमीनें थी और हमने ट्रेडिशनल फार्मिंग को चाहे वो गंगा का मैदान हो चाहे पंजाब या हरियाणा के मैदान हो जो कि नदियों के किनारे बसे हैं इनमें सभी जगह पर हमने ट्रेडिशनल फार्मिंग को अपनाया और हमने काफी सालों तक कम से कम मान लीजिए अगर हमारी सभ्यता 5000 साल पुरानी है मोहनजोदड़ो या हड़प्पा संस्कृति के हिसाब से भी तो उस समय से लेकर हम खेती अब तक कर रहे हैं और हमारे पास एक सिस्टम था जिसका नाम था ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग. सो दैट वाज देयर बट वी कैन नॉट स्टॉप एट द ट्रेडिशनल फार्मिंग की आज भी हम उसी की बात कर पाए. सो नेचुरल फार्मिंग का एक सिस्टम मासानोबु फुकुओका ने दिया. उन्होंने कहा कि देयर इज नथिंग रिक्वायरमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ अ टिलेज, नो रिक्वायरमेंट ऑफ वीडिंग, नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिजीज कंट्रोल, no requirement of any kind of a further application for controlling the things. Nature will control the system. And Masanobu Fukuoka, lekin Japan ke ecosystem mein kaam karte the, unhone paddy grow kiye, batke phal li, batkon se jo unke waste the wo us khet mein hi hote the, uske sath sath machliyan phal li. To is tarah se unka jo ecosystem tha wo ek बिल्कुल डिफरेंट इकोसिस्टम था जिसमें उन्होंने नेचुरल फार्मिंग को ग्रो किया. तो 1975 में उन्होंने किताब लिखी वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन. जब ये किताब पूरे मार्केट में आई, पहले जापानीज में लिखा होगा इन्होंने, तो जब इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन आया सो ही बिकेम अ वेरी पॉपुलर पर्सन. सो इंडिया ऑल्सो देर वॉज सम नेचुरल फार्मिंग एक्सपेरिमेंट डन इन मध्य प्रदेश इंदौर के पास में. एक फार्म पर मैं भी 1990s में गया, रसूलिया फार्म. तो प्रताप अग्रवाल साहब और दूसरे लोगों ने इसको एक्सपेरिमेंट्स लगातार किया हिंदुस्तान के सिस्टम इकोसिस्टम में. लेकिन नेचुरल फार्मिंग का कोई बड़ा ऐसा मॉडल नजर नहीं आता है जिससे कि ये कहा जा सके कि नेचुरल फार्मिंग के जरिए हम अपने फूड प्रोडक्शन सिस्टम को बचा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं. तो ये एक सिस्टम नेचुरल फार्मिंग के तौर पर आया. एक तीसरा सिस्टम है वो बायोडायनेमिक फार्मिंग है जो कि जर्मनी और कुछ साइंटिस्ट न्यूजीलैंड के, इन्होंने बायोडायनेमिक फार्मिंग मेथड्स पर काम किए और तरह तरह के इनपुट्स पर काम किए. क्या इनपुट्स? जैसे कि मान लीजिए मेन्यूर उन्होंने तैयार किया अलग अलग तरीके से और उसका एनालिसिस किया कि कौन सा मेन्यूर ज्यादा काम करेगा. मान लीजिए कई बार गोबर की स्टैकिंग कर दी और उसकी उसको ढककर उन्होंने रिसाइकल किया, उससे खाद बनाया. कई बार इन्होंने जो गाय थे उसके हॉर्न जो टूट जाते हैं या फिर उनके डेथ पे जो हॉर्न मिल जाता है उसके अंदर कुछ फॉर्मुलेशन बनाकर जमीन के नीचे उसको बरी कर दिया 6 महीने के लिए, उससे कुछ जो निकाले उसमें मैन्योर का इस्तेमाल किया और उसको काफी उन्होंने तरह तरह से इस्तेमाल करने शुरू किए. तो इट्स अ काइंड ऑफ अ होम्योपैथिक मेडिसिन एप्लीकेशन इन बायोडायनेमिक फार्मिंग for the agriculture. And they had as a kind of a calendar. जिस तरह से हमारे पुराने लोगों के पास में एक कैलेंडर होता था कि कौन से महीने में आप बीज लगाएंगे,
कौन से महीने में क्या करेंगे, कौन सा एग्रीकल्चर ऑपरेशन कैसे करेंगे. सो वी टू विश टू हैव द ट्रेडिशनल कैलेंडर विच इज ओरली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. लेकिन इस बायोडायनेमिक फार्मिंग वालों ने एक ऑर्गेनिक बायोडायनेमिक कैलेंडर बनाया जिसमें कि अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग समय पे ग्रो करना, अलग अलग मैन्योर का अलग अलग समय में इस्तेमाल करना, और इसको इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए. तो इस मेथड से पीटर प्रॉक्टर नाम के एक न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट थे जिनका एक्सपेरिमेंट हमने इंदौर में 1991 में देखा था कि उन्होंने बायोडायनेमिक के ऊपर कुछ काम किए. और ये फार्म इंदौर में कस्तूरबा फार्म के नाम से जाना जाता है जहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहे थे. इसके बाद इसी को अब परमा कल्चर भी कह रहे हैं. देन इकोलॉजिकल फार्मिंग, हमारे MS स्वामीनाथन साहब और कुछ ऐसे साइंटिस्ट ने ये सोचा था कि अब हम सेल्फ सफिशियंट इन एग्रीकल्चर हो चुके हैं, लेट अस गो फॉर इकोलॉजिकल फार्मिंग वेयर एवर वी कैन ग्रो ऑर्गेनिक एंड नेचुरल वे ऑफ फूड प्रोडक्शन. सो इकोलॉजिकल फार्मिंग का नाम कई जगह पर आया और तमिलनाडु में चेन्नई के पास MS स्वामीनाथन फाउंडेशन ने कई जगह पर इको विलेजेस बनाने की कोशिश की. तो इको विलेजेस एंड इको फार्मिंग, दैट वाज सम टर्मिनोलॉजी यूज्ड. सम ऑफ द पीपल हैव कम टू अ कंक्लूजन दैट दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम इज ओनली पॉसिबल थ्रू द मिक्स्ड फार्मिंग. हमने कुछ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स ले लिए, कुछ दूसरे एग्रीकल्चर क्रॉप ले लिए, कई बार हमने एग्रोफॉरेस्ट्री कर ली. सो इट्स अ नेम ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग. तो ये एक नाम नजर आता है. इसके बाद धीरे धीरे कुछ एप्लीकेशंस जो अब नजर आ रहे हैं, दे आर डिपेंडिंग ऑन माइक्रोबियल एप्लीकेशन टेक्निक्स. सो लिक्विड फर्टिलाइजर एंड माइक्रोबियल एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट. And now it has come to the zero budget natural farming. Although this zero budget has been questioned, nothing is called zero budget in the nature. Even you are putting some kind of effort, it has some kind of a value in terms of money. So ये zero budget natural farming या सुभाष पालेकर natural farming को आजकल ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, जिसमें कि हम पंचगव्य यानी गोबर मूत्र इत्यादि चीजों को इस्तेमाल करके कुछ फॉर्मुलेशन बनाते हैं, कुछ केमिकल कुछ नेचुरल बायो फर्टिलाइजर तैयार करते हैं या माइक्रोबियल फर्टिलाइजर तैयार करते हैं और उसका स्प्रे या उसका इस्तेमाल जमीन में करते हैं और इसको एक तरीके से हम लोग तैयार करते हैं. तो ये सारी कहानी है कि जिसको कि आप कह सकते हैं कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ एक्सपेरिमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड विच हैज बीन नेम्ड एज इन द टर्म्स ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड परमाकल्चर. एंड एज यू नो, कोई भी एक सिस्टम पूरे वर्ल्ड के लिए काम नहीं करेगा. तो अलग अलग एग्रो इकोलॉजिकल सिस्टम के हिसाब से हमें नेचुरल फार्मिंग करनी पड़ेगी या परमाकल्चर करना पड़ेगा. कोई एक सिस्टम को आप ये कहेंगे कि ये पूरी तरह से लागू होने वाला है, दिस इज नॉट द स्टोरी. वी हैव टू डिजाइन आवर फार्म अकॉर्डिंग टू एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, अकॉर्डिंग टू लोकल स्किल्स एंड अकॉर्डिंग टू द लोकल नेचुरल रिसोर्सेस. ये आपको समझने की जरूरत है. और दूसरी सबसे बड़ी बात हमें समझने की जरूरत है एज एन इंजीनियर, एज अ साइंटिस्ट, एज अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्सन, हमें समझने की विशेष जरूरत है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम तीन मुख्य बातों पर निर्धारित है. दो मुख्य बातों पर तीसरी बात निर्धारित है कि अगर हमारा इनपुट अच्छा होगा, हमारे प्रोसेस भी अच्छे होंगे, तो हमारे पास एक अच्छी आउटपुट होगी. और इस आउटपुट को अगर हमने सही ढंग से मार्केट कर लिया तो हमारा काम बन गया. यही है मूल रूप में कहानी. तो हमारे पास इनपुट में क्या क्या हो सकता है, हम फार्म यार्ड मैन्योर की बात करें, ग्रीन मैन्योर की बात करें जो किसान करता है और इसको करता है, इसको और सिस्टमेटिक ढंग से कर सकता है. बायोगैस में स्लरी, बायोगैस गैस भी निकाला और उसके स्लरी आपने खेतों में इस्तेमाल किया, दिस इज ऑल्सो गुड इनपुट. वर्मी कंपोस्ट हैज बीन अ गुड इनपुट एंड पर्टिकुलरली फॉर नर्सरी रेजिंग, फॉर जर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्लांट्स, इट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग. एंड दैट्स हाउ ऑल द नर्सरी, जब भी आप जाओगे किसी पास की नर्सरी में, वो वर्मी कंपोस्ट और दूसरे
स्क्वायर फीट लेकर कोई भी प्लांटेशन करते हैं, सीड्स डालते हैं और तरह तरह के प्लांट्स आपको ग्रो करके दे देते हैं। सो वर्मी कंपोस्ट हैज ऑल्सो इट्स स्ट्रेंथ, लेकिन इसको कितना और क्या कितने मात्रे में इस्तेमाल करना है, दैट वी हैव टू डिसाइड। देन बायो फर्टिलाइजर्स एप्लीकेशन फॉर द डिफरेंट क्रॉप्स टू मेंटेन द सॉयल हेल्थ। बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, बीमारी फिर भी आएगी, सो वी हैव टू जनरेट आवर बायो पेस्टिसाइड्स। किडनी से प्रयोग करें या फिर आग से प्रयोग करें, वी हैव टू जनरेट सम बायो पेस्टिसाइड्स एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसलिए सॉयल को हेल्थ, सॉयल हेल्थ कार्ड जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया कि एग्री क्लिनिक एंड सॉयल हेल्थ कार्ड बनाना जरूरी है, इसमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि सॉयल की जानकारी तो हमें चाहिए। और तमाम तरह के इनपुट्स का इस्तेमाल नेचर से रिसाइकल करके हम कैसे कर पाए, वो सारे इनपुट होंगे, बेहतर इनपुट होगा। फिर हमें प्रोसेस पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा, कौन से सीजन में कौन सा क्रॉप लगाए, तो कैसे हम क्रॉप रोटेशन कर दें, कभी हमने ज्यादा बड़ी जड़ों वाले फसल ले लिए ताकि नीचे तक उसके न्यूट्रिएंट्स जाते हों, निकलते हों, और इनटेक ऑफ रिसोर्सेस या मिनरल्स ऊपर से नीचे होता हो। फिर हमने लेग्यूम्स लगा दिए ताकि मिट्टी में वापस नाइट्रोजन फिक्स हो जाए, या फिर हमने ढैंचा लगा दिया, फिर ग्रीन मैन्यूवरिंग करके वापस उसको प्लॉ कर दिया, यानी कि धरती से जितना निकाला और उसके काफी मात्रा में हमने उस रिसाइकल बैक करके देना है। तो ये प्रोसेस हमें अपनाना पड़ेगा। हमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अपनाना पड़ेगा, सीड के ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे ताकि बीज की जर्मिनेशन 80-90% हो, अदरवाइज आप बीज लाते हैं, आपको दिया तो उसने 100 रुपए में 5 बीज करेलेगा, जब आपने लगाया तो एक भी नहीं होगा, कुछ कारण होगा, तो सीड ट्रीटमेंट करके भी देते हैं वो। सो दिस ऑल थिंग्स आर डिपेंडेंट। देन वी नीड टूल्स मशीनरी एंड वी हैव टू सेव सम लेबर, क्योंकि टूल्स एंड मशीनरी तो लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज जितना का ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करेगा किसान, उतने टूल और उसको लेबर अगर दे दिया तो उसका बचेगा कुछ नहीं। सो इट्स अ लेबर इंटेंसिव जॉब एंड अल्टीमेटली इफ यू डू द टू थिंग्स करेक्ट, इनपुट एंड प्रोसेस, देन फाइनली विल गेट हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड, हाई वैल्यू इनकम एंड हेल्दी सॉयल एंड बायोडाइवर्सिटी। सो हमारा पहला काम है सॉयल हेल्थ को मजबूत करना, और जो क्वालिटी हमें आउटपुट मिला है उसको सही ढंग से प्रोसेस करके मार्केट करना, एंड इट विल बी सर्टेनली अ हेल्दी फूड, एंड हमें हेल्दी मिल्क, हेल्दी फूड मटेरियल, हेल्दी मीट, ये सभी में ऑर्गेनिक लाने की कोशिश चाहिए, हमें सभी में ऑर्गेनिक लाने की कोशिश चाहिए। सो ये पहला लेक्चर मैं इसी बात पर खत्म करता हूँ। ये देखिए एक फार्म है, एक गौशाला है, एक डेयरी फार्म है देसी गायों का, जहाँ पे सारी देसी नस्लें बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने रखा है। ये बहनी साहब गुरुद्वारा है ये लुधियाने में, कभी भी आपको मौका लगे तो जरूर जाइए, इट्स अ वेरी वेरी रिलीजियस प्लेस एंड दे हैव प्रोक्योर्ड सच काउ इन अ वेरी सिस्टमेटिक मैनर, अदरवाइज मेनी पीपल आर फाइटिंग फॉर दिस on in the name of religion, but they are not doing anything good for the cows. But they have procured our traditional breeds like Sahiwal, like Haryana and Kankrej, and all such breeds have been kept very well, including their genetic character in terms of bulls. So, ek kuch din pehle hi humne visit kiya hai, to ye sare aadhar mujhe nazar aate hain organic farming ke, aur abhi aapko humne ek concept de diya कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या, एंड लेट अस एंड दिस सेशन हियर एंड लेट अस हैव अ डिस्कशन। एक आदित्य सचान साहब का क्वेश्चन आ रहा है, उसके पहले गुरप्रीत सिंह, आदित्य जी बोलिए, आदित्य सचान। ओके, गुड आफ्टरनून सर। यस प्लीज सर, आई एम आदित्य फ्रॉम आईटीएम गीडा गोरखपुर जी। And one thing that I would like to share with you that I have this farmer background. So, मेरे घर में farming ये होता है। तो जैसे हम लोग ये कुछ बात कर रहे हैं soil की जो micro nutrients हैं and जो भी micro and macro nutrients हैं, तो mostly जो हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है। Generally जो traditional way है कि बस यूरिया डाल दीजिए और DAP डाल दीजिए और या कुछ जो मिस नेचुरल मैन्योर है वो डाल दीजिए, तो ये है, तो ये मिक्सिंग ओवर के अभी चीजें होती हैं।
और मुझे नहीं लग रहा कि मेरे पापा ने कभी भी अपनी जो मिट्टी है उसका उन्होंने कुछ परीक्षण ऐसा भी कुछ किया है कि क्या उसका हेल्थ कंडीशंस हैं, कितने न्यूट्रिएंट्स क्या अवेलेबल हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि इसमें जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो लोग, वो ये है कि नियर बाई उनको सेंटर्स अवेलेबल नहीं है जहां पर अपनी जो है, जैसे गवर्नमेंट ने चलाया तो है सॉयल हेल्थ कार्ड, बट उसका जो ग्राउंड पर हमें आउटपुट मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहा है। यानी कि जो मशीनरी हमें रिक्वायर्ड है इसके लिए वो वहां पर नहीं मिल पा रहा है। तो नियर बाई जो सेंटर्स हैं, या जैसे हम लोग एक मोबाइल सिस्टम भी जनरेट कर सकते हैं कि एक वैन टाइप का या कुछ ऐसा स्मॉल लेबोरेटरी हो जो गांव जाए और वहां पर इससे करके कुछ हेल्थ इश्यूज जो सॉयल्स के हैं वो वहां पर, इस तरह का सिस्टम अगर कुछ जनरेट किया जा सके तो जो बहुत ज्यादा लोग समझदार नहीं है या बहुत ज्यादा कन्वेंशनल तरीके से खेती करते हैं तो उन्हें कुछ हेल्प हो पाएगा। तो सर इसके बारे में मैं कुछ थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, कैसे किया जाए इसे। मैं आपको इतना जानकारी देता हूं कि नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से या नजदीक के विश्वविद्यालय की मदद से आप मिट्टी का परीक्षण तो जरूर कराएं। तो वहां के जो साइंटिस्ट हैं आपके मिट्टी के सैंपल ले जाएंगे और परीक्षण करके बता देंगे कि आपके मिट्टी में कौन कौन से तत्व अवेलेबल हैं, इसका कार्बन कितना है, इसमें नाइट्रोजन पोटास फॉस्फोरस की मात्रा कितनी है, इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्या स्थिति है और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या नहीं है। ये सारी परीक्षण करने का बहुत बड़ा काम है। एक बार ये पता लग जाए फिर अकॉर्डिंग टू हम जो मैन्योर की एप्लीकेशन है या फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन अकॉर्डिंगली करते हैं, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और एक सॉयल हेल्थ कार्ड बन जाएगा और उसी के हिसाब से हम काम करते जाएंगे। तो ये काम तो था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास में, लेकिन कई यूनिवर्सिटी ने इस पे काम अच्छा किया है। पंजाब में इन्होंने सॉयल हेल्थ कार्ड बनाए हैं लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं होते, हमें साल 2 साल या 3 साल में दोबारा परीक्षण कराते रहना पड़ेगा। जैसे आपका ब्लड टेस्ट करा रहे हैं तभी तो आप पता चल रहा है कि हमारे बॉडी में किस तरह की स्थितियां बनी हुई। तो सॉयल हेल्थ कार्ड भी एक इम्पॉर्टेंट मतलब एग्रीकल्चर का सिस्टम है जिससे कि हमें मिट्टी का परीक्षण कराने से उसमें कौन कौन से तत्वों की कमी आ रही है उसको हमें भरपाई करना पड़ेगा और तभी हम खेती से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आपके लिए एक एग्जाम्पल बताता हूँ जो कि आपके काम का है। एक एक एग्रीकल्चर बहुत अच्छे एग्रीकल्चरिस्ट हैं आपके यूपी में, उनका नाम है रामशरण वर्मा जी, जो कि बाराबंकी में केले की खेती करते हैं और टमाटर और इस तरह के कैश क्रॉप्स की खेती करते हैं। तो उन्होंने सारे मॉडर्न फार्मिंग के तरीके अपनाकर, और केला एक नॉन ट्रेडिशनल क्रॉप्स है उस उत्तर प्रदेश के बाराबंकी इलाके के लिए, लेकिन उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के तमाम वैरायटी ऑफ केले को अपने फार्म पर एक्सपेरिमेंट करके वहां के अनुकूल से कुछ कलेक्ट कर लिए। अब उनका जो टर्नओवर है पूरे प्रोडक्शन का, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, केले टमाटर और आलू की खेती कर रहे हैं वो, और अभी 30-40 एकड़ में उन्होंने ऑर्गेनिक वेजिटेबल कल्टीवेशन भी शुरू कर दिया। उनका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए सालाना है, पिछले साल उनको पद्मश्री मिला। तो ऐसे भी परिश्रमी और मेहनती फार्मर हैं जो कि उन्होंने तरीका खुद से निकाला है और वो खुद ही 9वीं कक्षा पास है। उनका जी एक वेबसाइट अगर देखेंगे हाईटेक फार्म, तो उन्होंने जबरदस्त काम किया और ना ही केवल उन्होंने अपना काम किया बल्कि वहां पर हजारों लाखों किसानों को उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार के उन्होंने नॉन ट्रेडिशनल क्रॉप पे ला दिया है जो कि कैश क्रॉप से काफी अपनी जीविका चला रहे हैं। इसलिए एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है और मिट्टी का परीक्षण उसमें एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। बिना मिट्टी को पहचाने आप खेती फर्दर आगे नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ऑल योर इनपुट्स। यस, लेट मी इनवाइट डॉक्टर सुभाष शर्मा साहब फॉर हिज एक्सपर्ट कमेंट। यस प्लीज सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर राय, आपका जो लेक्चर था बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और आज के दिन के लिए बहुत इसकी जो जरूरत है वो उसको आपने हाईलाइट किया, और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो आफ्टरनून सेशन में भी मेरे को काफी एक्टिव लग रहे हैं। तो उससे लगता है कि आपका आपका नहीं हमारा जो ये वेबिनार चल रहा है बहुत ही सक्सेसफुल है। इसके लिए आप बहुत ही उसके मुबारकबाद के
ये आपके पक्ष में जाता है। अब बात रही कि एक हमारे यहाँ साथी वो पूछ रहे थे सॉइल हेल्थ कार्ड, आपने बिल्कुल अच्छी तरह बताया कि सॉइल हेल्थ कार्ड जो है ये बहुत ही जरूरी है, और क्योंकि जो भूमि है मिट्टी है वो तो एक जीवित चीज है, जिससे हमें अगर जैसे अभी पंजाब हरियाणा और घरों में भी लोग क्या करते हैं रेजिड्यू जो भी आता है एकदम से आग लगा देते हैं बिना सोचे कि हमारे उस मिट्टी में कितने जीवाणु हैं जो उस मिट्टी में मर गए, कुछ तपस से मर जाते कुछ स्पॉट से मर जाते। और जिस एरिया में हम क्रॉप रेजिड्यू वर्म करते हैं चाहे वो पैडी का है चाहे व्हीट का है, तो हम सोच सकते हैं कि कितना एरिया जो वो बैरन हो गया या होने वाला है। और अगर यही स्थिति रही तो अभी एक बहुत बड़े, क्योंकि अब बहुत सारे जो महात्मा लोग हैं वो भी आगे आ रहे हैं, कुछ हो सकता है कि कईयों का अपना एक मोटा होता है। तो जैसे सदगुरु जी ने पिछले दिनों कहा कि हमें लगता है कि सॉयल जो है वो कुछ सालों में हो सकता 50 तक ही खत्म हो जाएगी, इसमें जीव नहीं रहेगा, ये जीवित नहीं रहेगी, मिट्टी तो रहेगी लेकिन इसमें कोई भी जीवाणु नहीं रहेंगे जो हमें भोजन बनाने के सक्षम है। तो आपने बिल्कुल सही कहा। अब आ गए कि सॉइल हेल्थ कार्ड जो है जिसको सही मायने में माना जाता है, जैसे अभी आपने मैक्रो माइक्रो का पूरा जिक्र किया, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। वो सॉइल हेल्थ कार्ड भारत सरकार ने राज्य सरकारों के माध्यम से पूरी प्रयत्न किया है कि हर किसान का एक जैसे राशन कार्ड होता है उस राशन कार्ड की भांति ही एक सॉइल हेल्थ कार्ड हो, और वो बने भी हैं। हो सकता कि कई जगह कमी रह गई हो, वो तो चीज मैं मानता हूं, लेकिन उस सॉइल हेल्थ कार्ड को इतना आसान बना दिया कई जगह जहां मैंने भी बनाए हैं कि किसान को ही सिखा दिया। आजकल मेरे को लगता कोई ऐसा नहीं है जिसके पास मोबाइल ना हो, अच्छा मोबाइल हर आदमी के पास है, अगर सारी फैमिली मेंबर के पास नहीं तो किसी एक के पास तो जरूर होगा। उसको एक बार सिखाना पड़ता है कि भाई GPS लोकेशन क्या है, वो अपने खेत में जाता है, उसको सिंपल तरीके से, क्योंकि हमारे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में कृषि विज्ञान केंद्रों में विभागों में किसान मेला लगता है, आजकल भी बहुत चल रही है, तो उसमें क्या होता है कि उनको सिखाया जाता है कि मिट्टी का सैंपल कैसे लेना है, उसको GPS लोकेशन कैसे टैग करना है, और जब एक बार वो सैंपल आ गया तो वो तो लैब से एनालिसिस होके उसको रिपोर्ट बन जाएगी। अब GPS लोकेशन उसने दिया है, मोबाइल नंबर उसने दिया है, अगर उसका गुम भी हो गया अगर कहीं सॉइल हेल्थ कार्ड, तो एकदम उसमें साइट में जाओ सॉइल हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। साथ में क्या होता है, जब सॉइल हेल्थ कार्ड बनता है तो एक उसको चार्ट दिया जाता है, सारणी दी जाती कि कौन सी फसल किस खेत में भैया तेरी होगी और उसमें कितना NPK या दूसरे मैक्रो माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपने डालने हैं। तो उस तरीके से अगर वो डालेगा तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिजायर्ड लेवल पे पहुंचेगी, और उसका जो ये प्रोडक्शन सिस्टम है ये डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल सिस्टम होगा। अब रहेगी बात कि कृषि विज्ञान केंद्र जो हर जिले में, और आज दिन तक मेरे को लगता कि 731 कृषि विज्ञान केंद्र है, उसके अलावा भी सरकार ने NGOs यंग जो बॉयज हैं जो यूथ है हमारा उनको भी ट्रेन किया, और एक सिंपल किट आता है सॉइल टेस्टिंग किट, उसका मैक्सिमम मेरे को लगता कॉस्ट जो है 70,000 के करीब है, जिसके लिए भी ऐसा प्रोविजन है बैंकिंग के थ्रू कि आप उसको खरीद भी सकते और उनको एक रोजगार भी मिला है कि वो सॉइल हेल्थ कार्ड इस तरीके से बना रहे हैं। तो मेरे को लगता कि सॉइल हेल्थ कार्ड जो है बनाना और उसका उपयोग करना कोई मेरे को लगता ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है। तो दूसरे अभी जो सेकंड सेशन में भी बात कर रहे थे, ये जैसे अभी आपने बहुत किया बात ऑर्गेनिक फार्मिंग का, नेचुरल फार्मिंग का, डेफिनेटली नेचुरल फार्मिंग वहाँ इसकी पॉसिबिलिटी है जहाँ पे इरोडेड लैंड्स हैं तो उनको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वहाँ नेचुरल फार्मिंग तो कुछ कर तो सकते नहीं है, और घास आ रहा है तो घास भी तो पशुओं के लिए चाहिए, पहले भी पास थी। तो मेरे को लगता कि नेचुरल फार्मिंग का स्कोप भी बिल्कुल रहेगा, लेकिन जैसे आपने अभी प्रोफेसर साहब कहा कि भाई आपकी साइट क्या है, आपकी जरूरत क्या है, उस हिसाब से आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो वो साहब पूछ रहे थे राजस्थान के लिए, हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हर डिपार्टमेंट में फसलों के लिए रहेगा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस अलग से, फलों के लिए अलग से रहेगा,
ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी एक पंजाब के फार्मर फोरनून सेशन में पूछ रहे थे, तो जब आगे आप समय हमें देंगे तो हम उनसे चर्चा करेंगे कि भाई आप कहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की, कहाँ से आप इसकी सर्टिफिकेशन करवा सकते हो आसान तरीके से, क्या उसका प्रोसेस रहेगा, तो हम रीजन वाइज आपको जब आप हमें समय देंगे तो हम जरूर बताने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद सर।